आज रक्षाबंधन है। ये त्योहार जितना खास है उतना ही पवित्र भी है। भाई बहन के पवित्र प्रेम को दर्शाता है रक्षाबंधन। इसलिए हम आपको बताने वाले हैं रक्षाबंधन से जुड़ी हर खास बातें। साथ ही हम आपको बताएंगे वो शुभ समय जब रक्षाबंधन का त्योहार मनाना होगा परम शुभकारी। लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं कि ये मनभावन पर्व क्यों है इतना महत्वपूर्ण। रक्षा करने और रक्षा करवाने के लिए बांधा जाने वाला पवित्र धागा रक्षाबंधन कहलाता है। ये पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। सबसे पहले देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र की रक्षा और विजय के लिए उनकी पत्नी ने उनको रक्षा सूत्र बांधा था। इसके बाद राजसूय यज्ञ के समय भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने रक्षा सूत्र के रूप में अपने आंचल का टुकड़ा बांधा था। इसके बाद से ही बहनों के जरिए भाई को राखी बांधने की परंपरा शुरू हो गई। रक्षाबंधन का पौराणिक महत्व तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षा के इस पवित्र धागे का संबंध विज्ञान और आध्यात्मिक दुनिया से भी जुड़ा है? चलिए आपको बताते हैं। रक्षा सूत्र आम तौर पर कलाई पर बांधा जाता है, इसलिए ये तीन धातुओं यानी वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है। इसे कुछ विशेष मंत्रों का जाप करते हुए बांधा जाता है, इसलिए इसे पहनने वाले की रक्षा भी करता है रक्षा सूत्र। किसी भी पर्व या त्योहार का पूर्ण फल तभी मिलता है जब हम उसके नियमों का सही ढंग से पालन करते हैं। छोटी छोटी सावधानियां रखने से आपका ये प्रेम पूर्ण त्योहार और भी मंगलकारी हो सकता है। तो इस रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र बांधते हुए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, गौर से देखिए। रक्षा सूत्र सूत का बना हुआ ही होना चाहिए। रक्षा सूत्र को मंत्रों का जाप करते हुए ही बांधना चाहिए। किसी भी दिन पूजा के बाद धारण कर सकते हैं रक्षा सूत्र, लेकिन पूर्णिमा या रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र धारण करना सबसे उत्तम होता है। रक्षा सूत्र बहन के अलावा अपने गुरु, ब्राह्मण और शुभ चिंतक से भी बंधवा सकते हैं। लाल, पीला और सफेद रंग का बना हुआ रक्षा सूत्र सबसे बढ़िया माना जाता है। रक्षा सूत्र को जब भी हटाएं, उसे जल में प्रवाहित कर दें या मिट्टी में दबा दें। अगर आप भी इन सावधानियों का ध्यान रखते हुए त्योहार मनाएंगे तो जीवन में शुभ अशुभ की आशंका नहीं सताएगी।